खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आज जो रोड शो हुआ उसकी भव्य तस्वीरें आई, मानो पूरा देश बनारस की गलियों में इकट्ठा हो गया। यहाँ एबीपी न्यूज के 11 रिपोर्टर्स मौजूद थे, यानी 11 आंखें, उसको आप इंटू टू भी कर दीजिए, 22 आंखें मौजूद थी। और क्या कुछ देखा हमारे रिपोर्टर्स ने, आपको वो तस्वीरें देखनी चाहिए। वो रथ भी आप देख रही होंगी, आगे बढ़ चुका है जिस रथ पर निकलकर मोदी को आगे जाना है। और देखिए, नारों में बदलाव भी तो आया है पिछले 5 सालों में, लेकिन वो रथ की तस्वीर अगर देखिए मोदी की, जिनके ऊपर गुलाब के पंखुड़ियों की बारिश हो रही है, तो वो जो तस्वीर है वो 2014 की है, जब मोदी यहाँ पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने आए थे, उस वक्त की है। और नारे देखिए, उसमें उन्होंने लिखा है माँ गंगा का आशीर्वाद और वाराणसी की जनता का अपार प्यार। देखिए मेरे सामने जो है जन समंदर है, जन सैलाब उमड़ा हुआ है, और प्रधानमंत्री का काफिला आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे जन सैलाब के बीच में से सड़क भर पा रहा है, क्योंकि लोग इतनी बड़ी तादाद में इस रोड पर इकट्ठे हैं। लंका चौराहे से लेकर 80 चौराहे तक बड़ी तादाद में, सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग जमा है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का काफिला है वो जो है वो बड़ी मुश्किल से आगे सरक पा रहा है जन सैलाब की वजह से। बिल्कुल मेरे सामने ये जो कुछ लोग हैं जो डिवाइडर पर खड़े थे वहाँ धक्का मुक्की में गिरने लगे, तो पीएम ने वहाँ पर उन लोगों को समझाया कि बिल्कुल ऐसा मत करो, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो। घंटों के का जो इंतजार था वो इंतजार अब पहलवान लस्सी के पास मौजूद जो लोग हैं उनका पूरा हो गया, लेकिन अभी भी जो लंबा रास्ता है, करीब करीब 5.5 किलोमीटर दूर का जो रास्ता है अभी वो बचा है। आरती शुरू होने में भी ज़्यादा वक्त नहीं है, पीएम का काफिला अब तेजी से आगे बढ़ेगा। और मैंने जैसा पहले बताया था, काशी के बीएचयू गेट यानी कि सिंह द्वार से लेकर जो 80 का सड़क है वो सड़क ये इस पूरे रोड शो की सबसे चौड़ी सड़क है, लेकिन 80 के चौराहे पर जाने के बाद गदौलिया तक जो सड़क है वो सकरी सड़क है, और इस वजह से जो दिक्कत होगी अब रोड शो को आगे बढ़ाने की। यहाँ से करीबन 150 मीटर की दूरी पर और प्रधानमंत्री जो छतों पर बच्चे खड़े हुए हैं, जो बड़े खड़े हुए हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हुए करीबन 1 घंटे का वक्त हो चुका है, और उसके बाद कुछ इस तरीके की तस्वीर जहां पर लोगों के पास चलने के लिए जगह नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से सेल्फी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की गाड़ी आगे आगे, पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महेंद्र नाथ पांडे एक अलग रथ पर है। प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से जो है पुष्प उठा करके लोगों के ऊपर फेंक रहे हैं, तो देख सकते हैं ये एक अलग तस्वीर है। केसरिया कुर्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं, पुष्प की वर्षा ऐसी कि पूरी गाड़ी गुलाब की पंखुड़ियों से ढक गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, और फूलों से, वो फूलों की वर्षा यहाँ मोदी जी को कर रहे हैं और मोदी जी उनको कर रहे हैं, फूल फेंकते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80 मोहल्ला से शिवाला की तरफ गुजरते हुए, लाइट मध्यम हो गई है और ये काफिला हमारे सामने आता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री शिवाला इलाके में प्रवेश कर चुके हैं। आम लोग, भाजपा समर्थक, मोदी को पसंद करने वाले कई सारे छोटे बच्चे भी जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिनकी कड़ी दोपहरी में भी जो दिखाई दे रहे थे अपने छत पर बराबर झांकते हुए बाहर, अब उनका ये इंतजाम पूरा हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी प्रवेश कर चुके हैं शिवाला इलाके में। और देखिए, अभिवादन करते हुए साफ तौर पर प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं उनके ऊपर और हाथों से अभिवादन करके वो लोगों को जवाब दे रहे हैं। और इस तरह से शिवाले इलाके में प्रवेश कर चुका है प्रधानमंत्री का काफिला। और जंगमबाड़ी में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप यहाँ से देखेंगे कि कैमरे से, हमारे कैमरे से इस वक्त साफ तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई देंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन के लिए यहाँ पर लोग यहाँ पर तमाम मौजूद हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से सिक्योरिटी यहाँ पर है और एक बैरिकेडिंग जो है वो की गई है, लेकिन लोग एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर बेकरार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो ये देख रहे हैं और ये
रोड शो नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहें तो ये रोड शो नहीं बल्कि रेला है। गोदौलिया चौराहे पर दिन भर से इंतजार कर रही जनता का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। सामने एबीपी न्यूज के कैमरा पर आप देख लीजिए प्रधानमंत्री मोदी को, जिनका दिन भर यहाँ गोदौलिया पर जनता, बीजेपी के तमाम समर्थक लगातार इंतजार कर रहे थे। दिन भर यहाँ पर ढोल नगाड़ों की थाप सुनाई दे रही थी और देखिए किस तरीके से अब कैमरों की लाइट्स जगमगा रही हैं। सब अपने अपने मोबाइल कैमरा में प्रधानमंत्री मोदी को कैद करने के लिए बेकरार दिखाई दे रहे हैं और ये पूरी सड़क देखिए जनता से पटी पड़ी है। किस तरीके से फूलों की वर्षा उन पर की जा रही है वो भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से उनका अभिवादन किया जा रहा है और सुरक्षा इंतजाम बेहद कड़े, जिसके बीच में 7 किलोमीटर लंबा ये प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो अपने आखिरी चरण में पहुंचता हुआ। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में इस रोड शो को करके पूर्वांचल और बिहार की कुछ 30 सीटों पर असर डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारा मानना है कि वो 30 सीटें नहीं है, वो 241 सीटें हैं जिस पर इसका असर पड़ने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से दिखा दिया कि एक बड़ा इवेंट कैसे किया जाता है और कैसे उसे वोटों में तब्दील करने की भरपूर कोशिश होती है, और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक यही है कि सियासत के सबसे बड़े शोमैन हैं मोदी।